बात कर मेरे को जानता। इंजन में इतना ज्यादा मट्टी हो रहा है, देखो जम गया भाई, हटाने से भी नहीं हट रहा। देख रहे हो मेरा राइट हैंड वाला था बेताल का भाई, ये भी कहीं ना कहीं खुल के गिर गया। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग वंस अगेन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल वीकेडी व्लॉग्स। ऑफ गाइज, आप सभी लोग भाई अच्छे होंगे। तो फाइनल गाइज, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बोल सकते हो भाई, 1 वीक से ज़्यादा होने को, और फाइनल गाइज हम आ चुके भाई अपने बेताल पे वापस। और भाई इसको जो चला के गाइज मज़ा आ रहा ना, बट अभी भाई दिल्ली में जो बारिश हुई ना, इतना ज़्यादा माहौल ख़राब हो रहा, पूरा कीचड़ कीचड़। आपको दिखाऊंगा भाई बेताल की क्या हालत हो गई है कि बिल्कुल भाई मज़ा बिल्कुल नहीं आ रहा है। बेताल की तो गाइस काफ़ी बुरा लग रहा है, वैसे तो वैसे भी बढ़िया नहीं है। देखो ठंड तो पड़ी रही थी, पर बारिश हो के भाई और माहौल को ठंडा कर दिया। बट यहाँ पे ट्रैफिक, एक तो इसका पीछे वाला मुझे लग रहा ना, सॉरी आगे वाला ब्रेक बेताल का कहीं ना कहीं लूज़ हो गया, क्योंकि जैसे गाइस बारिश होता है, बारिश में क्या होता है कि फ्रंट वाला कितना भी डिस्क ना, जितने भी डिस्क वाले गाड़ी होते हैं उनका ब्रेकिंग थोड़ा सा ग्रिप कम हो जाता है, और जो ड्रम ब्रेक का ग्रिपिंग होता है वो बारिश में भाई बड़े आती है। तो ये सीन है, इसलिए मुझे लग रहा थोड़ा कम है। अब पीछे कहाँ ले रहा है भाई, भाई सामने का इस गंदा वाला जाम है। चलो चलो गाइस, फटाफट भाई खाली हो गया, क्योंकि जैसे ट्रैफिक लगते ना लोग भाई लड़ने को उतारू आते हैं, वो चीज़ में वो ख़राब लगता है। बरसात के चक्कर में जो बेताल की हालत हुई ना भाई, आप लोगों को दिखाऊंगा ना, आप बोलोगे भाई क्या कर रखे हो आप इसका। मैं भी नहीं चाहता था कि भाई ऐसे कंडीशन में रखूँ, बट क्या करूँ भाई, बारिश में ना दिल्ली का बहुत ही बुरा हाल होता है। अगर आप लोग दिल्ली से हो तो भाई पता चल सकता है कितना ज़्यादा कीचड़ होता है भाई गलियों में, स्पेशली क्या इस गलियों की बात कर, रोड देखो रोड सूखे पड़े हैं, बट जो इसका दिल्ली का इनसाइड देखो ना, गली वाला पार्ट भाई बहुत ख़राब होता है। दैट्स वाई कि भाई इतना ज़्यादा इसके ऊपर जुल्म हो गया ना बेताल के ऊपर, जुल्म ही बोलेंगे भाई, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। तो चलो पहुँचते हैं लोकेशन पे। और एक चीज़ तो है भाई, बहुत दिनों बाद बेताल को चला रहा हूँ गाइस, इसका जो पावर हो रहा ना, थ्रोटल जैसे दे रहा हूँ ना गाइस, गाड़ी बिल्कुल भाई भागने को रेडी है। देखो भाई ये देखो, मतलब बहुत ज़्यादा फील हो रहा है पावर भाई इसके अंदर। और उस टाइप की मुझे ब्रेकिंग नहीं मिल रही तो मेरी भाई हट रही है, मतलब मेरी गाइस फट रही है, डर के मारे कि भाई घुस ना जाए कहीं पे। तो थोड़ा इसको आराम से चलाएंगे और पहुँचते भाई लोकेशन पर सीधा। पहुँच चुके हैं भाई खाली एरिया में, देन आपको भाई दिखाता हूँ कि क्या हालत है बेताल के। एक्चुअल में इतना ज़्यादा भाई गंदा हो रहा है, दिल लगाता है धूप में, अच्छे से आप लोगों को दिखा पाऊँगा मैं। और काफ़ी दिनों से भाई धूप भी देखने को इधर नहीं मिलती है, तो अभी दिखाता हूँ भाई क्या इसकी हालत हो गई बेताल की बारिश में। और एक हफ्ता जब मैंने नहीं चलाया तो भाई ये चेक करो, अपर बॉडी तो आपको काफ़ी ज़्यादा क्लीन मिलेगी। गाइस दिखाने वाली बात है, इसका जो इंजन इतना गंदा हो गया ना बरसात में चल चल के, पीछे की साइड से अगर देखोगे तो आप देखो कितना ज़्यादा गंदा हो रहा भाई, देख के ना काफ़ी ज़्यादा भाई ख़राब लग रहा है मुझे, इतना सही नहीं लग रहा। देखो बहुत ज़्यादा गंदा, अगर अंदर से दिखाओ तो सिर्फ मिट्टी 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 पूरे में है। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ भाई इसकी डिटेल क्लीनिंग करवाऊँ मैं, जैसे हो गए फॉर्म वॉशिंग हो या फिर नॉर्मल भी करवाएंगे। ये चेक करो भाई इस साइड से, देखो भाई इतना ज़्यादा गंदा ना गाइस, देखो पूरा भाई पूरा इंजन में इतना ज़्यादा मट्टी हो रहा है, देखो जम गया भाई, हटाने से भी नहीं हट रहा। देख रहे हो इसका इंजन, देखो भाई ऐसे है सिल्वर, ये देखो अपनी बेताल, दो गाइस हाथ वाथ सबसे साफ कर सकते हैं इसको, ये देखो इतना ज़्यादा भाई, ये रियल कलर है और मट्टी से भाई कोटिंग हो गया पूरा, तो बहुत ज़्यादा पूरा का पूरा मेनली इंजन गंदा हो रहा है और टायर होगा, क्योंकि भाई ये पूरी मट्टी में चली है ना, और जब बरसात में कीचड़ कीचड़ हो गया तो यहाँ इंजन मेनली गंदा हो गया है, फ्रंट का इसका टायर हो गया, सस्पेंशन हो गया, इसकी हालत देखो सस्पेंशन की पूरा ज़्यादा भाई सही मिट्टी मिट्टी है। तो ये मेरे हाथ से तो क्लीन होगा नहीं, अंदर की साइड से दिखाऊँ तो भाई अंदर भी देखो पूरा का पूरा ये सारा मिट्टी हो रहा है, तो ये नॉर्मल वॉशिंग से तो होगी नहीं, मेरे को इसको प्रॉपर भाई वॉश करवाना पड़ेगा। सोच रहा हूँ कि भाई इस बार इसको फोम वॉशिंग करवाते हैं, फर्स्ट टाइम होगा, मैंने आज तक नहीं करवाया, वो नहीं हो पाएगा कहीं नहीं मिला, क्योंकि मैंने तो देखा नहीं अभी तक कहाँ पर होता, वरना फिर नॉर्मल वॉशिंग करवाएंगे। बट ये है कि भाई आपका भाई आपका प्रॉमिस करता कि नेक्स्ट वीडियो में जो बेताल मिलेगी आपको इस कंडीशन में नहीं मिलेगी, बिल्कुल जो इसके अलॉय व्हील होते हैं भाई वो रेड चमकेंगे, पूरे बॉडी पे मैं पॉलिश कर दूंगा, मतलब बेताल गाइस एक नंबर बना देंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि बेताल तो अभी देखो कैसी भी है, क्यों गाइस बारिश है तो बारिश में भाई कहीं ना कहीं चलती है, तो गाइस मैं भी कुछ कर नहीं सकता है, तो नहीं कि रोड सुखा दूँ मैं, बट ये कर सकता हूँ कि भाई नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रॉमिस है कि बेताल का भाई जो डिटेल क्लीनिंग होती है, वॉशिंग होती है, इसको अच्छे से भाई चमका देंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। आपको एक और चीज़ दिखा दो भाई, एक तो इसका हमेशा खो जाता है लेफ्ट हैंड वाला जो इसका होता ना साइड डैम्पर बोलते हैं इसको, एक तो हमेशा खो जाता है, बट इस बार क्या हुआ कि भाई जो मेरा राइट हैंड वाला था बेताल का भाई, ये भी कहीं ना कहीं खुल के गिर गया, तो इसको भी लगवाना पड़ेगा, दोनों ही लगवाने पड़ेंगे अब तो मुझे। तो इसके अंदर जो कागज़ निकाल देता हूँ,
ये हर बार का भाई दिक्कत है, हर स्कूटी में ना एंटोक जितनी भी होती भाई खो ही जाता, पता नहीं कैसे ये लोग लगाते हैं ना, इतना बकवास क्वालिटी का होता है इनका प्लास्टिक वाला कि खुल जाता हमेशा। तो मैंने कागज़ से इसको लटका रखा था, तो मैंने भाई इसको रोकने के लिए मैंने इसके अंदर भाई कागज़ भी लगा रखी थी अच्छे से, बट फिर भी गाइस खुल के गिर ही आता कहीं ना कहीं, तो ये भी अपना एक नुकसान हो गया भाई। कहीं ना कहीं 50 रुपये का या 30 रुपये का एक आता है, तो दोनों साइड का मुझे ये लगवाना पड़ेगा। तो चलो अभी चलते हैं भाई नाई वालन, क्योंकि मुझे वहाँ पे काम है, अपने को एक लाइट देखना है हेलमेट के लिए, जो कि किसी ने बोला कि भाई देख के आना। और भाई अभी टाइम हो रहा 12:06, तो निकलते गाइस यहाँ से सीधा फटाफट नाई वालन, और देखते भाई जाएंगे सीधा रोमी मोटर्स में, वहाँ पर जाके देखेंगे भाई हेलमेट के लिए कौन सी लाइट आ रही है, देन अगर पसंद आता तो भाई उसको ले लेंगे। और मीटर का भी मुझे काम करवाना है फिर से, इस पर देखो ध्यान से तो भाई बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस आ गए इसके ऊपर, सही से विजुअल हो नहीं पा रहा। और मेरा मीटर गाइस बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है कि मीटर भाई क्लीन दिखे, क्योंकि आप लोग भी देखते हो तो आपको भाई अच्छे से दिखना चाहिए क्लीन मीटर, क्योंकि आप लोग भी भाई जब देखते हो ना मोटर व्लॉग तो फील होता है कि हाँ आप लोग ही राइड कर रहे हो, इसलिए डैशबोर्ड जो होता है हमेशा क्लीन होना चाहिए मीटर का भाई, हमेशा आपको अच्छे से विजिबिलिटी मिलनी चाहिए। ए भाई जब से स्टार्ट हुआ ना गाइज ऑफ रोडिंग और एंटोक के लिए भाई ऑफ रोडिंग मतलब भाई मुसीबत वाला ही सीन होता है। स्मूथ रोड पे सो कितना भी खींच लो कोई दिक्कत नहीं है, देखो भाई ऐसे आधे पिकअप है ध्यान से, बहुत दिनों बाद चला रहा हूँ ना तो मेरे को भी थोड़ा सा डर लग रहा है इसको खींचते हुए, क्योंकि अभी इसका फ्रंट वाला ब्रेक भी उतना सही नहीं है, तो भाई डर तो कहीं ना कहीं लगेगा, क्योंकि एंटोक जो चलती है ना, मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई जब मैं इसको इतना खींचता हूँ तो रोकने के लिए सिर्फ फ्रंट वाला ब्रेक ही होता है, पीछे वाला ब्रेक तो भाई क्लच ही मान के चलो हल्का सा होता है क्योंकि लूज आता है समय के साथ। फाइनली भाई आ चुके रोड पे, चलो भाई मक्का इंजन भाग रहा भाई इसका भी, गोली पता नहीं रुकेगी नहीं रुकेगी भाई, 70 पार हो गया देख रहे हो। हाँ भाई गाइस भाई साहब फ्रंट वाला ब्रेक तो भाई इसका डाबाडोल हो गया पूरा, पता नहीं कब आएगा वापस, देखो ट्राई कर रहा हूँ कि वापस आ जाए, फटाफट यूज़ कर रहा हूँ मैं, जल्दी आ जाएगा तो भाई जल्दी जल्दी ब्रेकिंग करेंगे, बट हाई स्पीड में रोकना भी थोड़ा सा मुश्किल हो गया था मेरे लिए, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि भाई जल्दी जल्दी ब्रेक वापस आ जाए इसका फ्रंट वाला। और अभी गाइज मैंने रिसेंटली भाई एक जस्ट मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें पूछा था भाई लद्दाख राइडिंग को लेकर, गाइज अपने माइंड में भाई आ रहा है कि इसी साल कर लेते लद्दाख राइड 2024, तो आप लोगों का भाई जो कमेंट आया ना भाई बहुत तगड़ा सपोर्ट आया कि हाँ भाई कर लो लद्दाख राइड करो, ये सभी की ड्रीम राइड होती है भाई, कहीं ना कहीं सभी लड़कों की भाई ये ड्रीम राइड है कि वो एक बार अपने लाइफ में गाइस लद्दाख राइड को तो भाई कंप्लीट करे ही। तो आप लोगों ने बहुत सारा सपोर्ट दिखाया कि भाई हाँ लद्दाख राइड का हमें भी वेट है भैया जल्दी करो, तो भाई हम भी सोच रहे गए जल्दी कर ले, बट लद्दाख राइड के लिए भाई हमें गर्मी का इंतज़ार है, उसको करने का जो सबसे मेन है ना, अगर आप गूगल करोगे मई से लेकर जून जुलाई तक होता है, तो भाई ये सबसे बेस्ट टाइम होता है, क्यों, क्योंकि आपको मैं बता दूँ लद्दाख का थोड़ा ऐसा सीन है कि उसके अंदर पूरे साल बन के चलो भाई तगड़ा वाला सर्दी और कहीं ना कहीं भाई माइनस में टेम्परेचर रहता है, बट जो मई जून जुलाई ऐसा है 2-3 महीना है कि इसके अंदर आपका जो टेम्परेचर रहता है वहाँ पे भाई 15 डिग्री से लेकर गाइस 20-25 डिग्री तक आराम से रहता हो, तो इसके अंदर ना राइडिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। दैट्स वाई कि मैक्सिमम भाई जो राइडर्स होते हैं इसी मंथ में राइड करते, तो हमारा प्लान भी कुछ ऐसा है। तो आप लोग बताओ गाइस कितने एक्साइटेड हो भाई लद्दाख ट्रिप के लिए, क्योंकि भाई ये ऐसा ट्रिप है ना गाइस, ड्रीम राइड है मेरा, और मैं चाहता हूँ कि भाई बेताल के साथ ही लद्दाख राइड करें, और आप लोग का भी कहीं ना कहीं यही ड्रीम होगी मैं बेताल लेके जाऊँ, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई। सपोर्ट दिखाओ आप लोग अच्छे तरीके से, आप लोग अपना पूरा सपोर्ट दिखाओ भाई, इसके लिए अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी भाई, पूरा महीना तैयारी होता है इसका। टाइम आया गाइस जब इसी साल भाई पॉसिबल करेंगे कि भाई हम लद्दाख राइड को कंप्लीट कर लेगा, इस क्या बोलते हो कमेंट कर दो। और हाँ आपका कहीं ना कहीं भाई सपोर्ट एक रूप से मुझे चाहिए होगा, यूट्यूब पे आप दिखा ही रहे हो थोड़ा, आप लोग मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं बता दूं आप लोगों को भाई मैंने अपने चैनल पे गाइज मेंबरशिप को ऑन कर दिया, अभी तक आप लोगों ने नोटिस नहीं किया तो भाई जाके चेक करो गाइज, ज्वाइन का बटन मैंने डाल दिया, मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हो, जस्ट इसका मैंने बहुत ही कम अमाउंट रखा है, जो आप भाई पे करके आराम से अपना मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। देन एक और ऑप्शन है, और मैंने एक और भाई फीचर को एक्टिवेट किया है इसके अंदर भाई, अपना सुपर चैट, जहाँ पे आप कमेंट करते हो वहाँ पे गाइज आप डायरेक्ट आप मुझे भाई फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो, एक छोटे से अमाउंट से भी गाइज आपका एक बहुत बड़ा सपोर्ट आएगा मेरे लिए, क्योंकि इस टाइम पे गाइज कहीं ना कहीं ड्रीम राइड को पूरा करने की सोच रहे भाई 2024 में, तो फाइनेंशियली सपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी चाहिए, फाइनेंशियली सपोर्ट गाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों का, तो आप लोग जाके भाई विजिट कर सकते हो। आइए रिक्शे वाले ने पीछे से हेलो बोलने लगते हैं, मैं लाल बत्ती पार कर दूँ क्या,
ये देखो भाई, वहाँ देखो भाई, एक से एक लोग है भाई, दो मिनट को सबर नहीं है, बताओ उसका रिक्शा पलट रहा है, पागल लोग है। इस हमें जानना है भाई रोमी मोटर्स पे, क्योंकि वहीं पे इसका सामान मिलेगा, लाइटिंग वाइटिंग होती ना उधर, अच्छा मिलता भाई। गाड़ी चेक करो भाई, सारे के सारे भाई सेकंड हैंड बाइक है, मतलब आप परचेज कर सकते हो। चलो भाई पकड़ मेरे को, मेरे को जानता अभी लगता है इसको भाई बंदे एकदम से निकल के आते ना, यही तो टेंशन वाली बात है। सामान लेना, सामान लेना, स्किडी रोमी मोटर्स। तो फाइनली हमने लाइट सेलेक्ट कर ली है, एक लिया सबसे बड़ा वाला, देखो जो टॉप बॉक्स पे लगेगा, यहाँ पे आपको जला के दिखाता हूँ, देखो काफ़ी ज़्यादा इसकी ब्राइटनेस है, सही है भाई। ये ब्लिंकर से सारे कहीं ना कहीं भाई सेफ्टी में बहुत काम आते हैं। एक तो ये लिया अपने ने जो कि बड़ा वाला, और दो ऐसे छोटे छोटे लिए जिसके अंदर मल्टीपल कलर, एक बार इसको भी ऑन करके दिखाता हूँ, ये देखो इसके अंदर मल्टीपल कलर है, तो ये भी सही है कि छोटे दो लिए और बड़ा वाला एक ही लिया, तीनों के तीनों भाई जितने भी लाइट अपने चार्जेबल है, तो कोई दिक्कत नहीं, अपना शॉर्ट होगा तो आराम से चार्ज करेंगे, और डिटैचेबल भी है, बंद कैसे होगा। चलो हो गया, को लेते हैं गाइस, निकलते हैं अब नीचे। बिताल खड़ी है, ओ फ्लैश देख रहे हो गाइस कितना इसका भाई, फॉग लाइट था। तो रखते हैं भाई इसको बैग में और निकलते हैं, क्योंकि बिताल ही करवानी गाइस अभी, वॉशिंग और रोमी मोटर्स पे कुछ ऐसा है, सारे सामान आपको मिल जाते हैं, तो लेट्स गो निकलते हैं। और ये देखो भाई जाते आते क्या खतरनाक चीज़ दिख रही है भाई, स्मॉल बाइक ले चले गए इसको संडे राइड पे, मज़ा आ जाएगा, फट 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 करेगा और कुछ ऐसे भाई गली में से लो और कुछ दुकान में से होके निकलते हैं। देखो भाई आपका भाई दुकान भी है, देखो भाई की दुकान, ओ भाई साहब बेताल का इसके अंदर फंस गई है, अब निकाले कौन इसको मैन, भाई नाई वाले पे सब चीज़ खुल जाते हैं देख रहे भाई, बट बेताल का यहाँ से निकालते नहीं, कैसे निकालेंगे, पूरा ही पूरा भाई फंसा पड़ा है। लेट्स सी गाइस कैसे निकालते हैं इसको, अंकल जी कहाँ से निकालूं, निकल जाएगा भाई, बोल ले ऊपर चढ़ा के निकाल लो, बट सामने है टॉप बॉक्स, हटाना सामने भाई, ब्रांड न्यू देखो एमटी तैयार हो रही है, इधर एक एक्सपल्स है, चढ़ा दूं क्या क्या बात है आपका भाई, वेरी बेताल को रेडी, बेताल को भाई रेडी पटरी पे ले आया, देखो नाई वालन में आके भाई गाड़ी ना फंसे ऐसा हो ही नहीं सकता, बट ठीक है भाई निकाल दिए, अंकल इसमें पीछे कर दो हल्का सा, निकाल दो हाँ ना ना। पहले उसको करना पड़ेगा, चलो ये अच्छी बात है भाई, हैंडल खुले होते हैं, मैंने भी खोल के गया था बेताल का हैंडल, ताकि किसी को आगे पीछे करना हो तो भाई इजिली से कर सके। थैंक यू, लेट्स मूव गाइस, और देखते हैं भाई यहाँ पे भाई रेडी वाला डर गया, बुलेट राइडर है क्या हाल है भाई, मैक्सिमम काम क्योंकि भाई अपना यहीं से होता है बुलेट राइडर, ये चेक करो भाई पूरी अभी तो दुकान खाली है, लेट्स मूव। और एक बार मैं पूछता हूँ कि भाई अपना इसका क्या सीन है वॉशिंग का, अभी तो 12 बज रहे, करवा सकते वॉशिंग, देखो यहाँ वॉशिंग वाला ना फोम वॉशिंग पूछता, होता नहीं होता भैया, फोम वॉशिंग होती है, फोम वॉशिंग नॉर्मल आसपास गाइस यहाँ पे होती है भाई नॉर्मल वॉशिंग। और ये क्या खतरनाक चीज दिख गई अपनी ड्रीम, जैसे लद्दाख ट्रिप अपनी ड्रीम है भाई, ये भी ड्रीम है, जी नो सो माई गॉड ले चले गया
तो चलो गाइस अभी चलते हैं भाई, यहाँ पर पता कर लिया, यहाँ पर बोल ले कि भाई फोम वॉशिंग नहीं होती, नॉर्मल वॉशिंग होगी, जो कि नॉर्मल तो भाई सबको ही कर लेता है, मेरे को फोम वॉशिंग की डिमांड है इस बार, पता नहीं क्यों बेताल को भाई, मैं चाह रहा हूँ कि फोम वॉशिंग हो जाए। इससे पहले गाइस मैंने आज तक नहीं करवाया भाई फोम वॉशिंग, अगर भाई कहीं पॉसिबल हो पाया तो करवाऊँगा, अगर कहीं नहीं होगा तो क्या ही कर सकते हैं, फिर तो नॉर्मल वॉशिंग ही करवा दूंगा। बट अभी चलते हैं गाइस घर की साइड और देखते हैं भाई, बात करेंगे दोस्तों से कहाँ पे फोम वॉशिंग हो रही है। नाई वालन में नहीं हो रहा तो भाई कहाँ ही होगा, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। तो चलो गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते, होप आपको पसंद आया वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नया तो भाई सब्सक्राइब करके जाओ, और लद्दाख राइड के लिए गाइस फुल सपोर्ट करो, आपका भाई साल में लद्दाख राइड करेगा, पक्का करेगा आप लोगों के सपोर्ट से। 2024 में गाइस अपने को लद्दाख राइड भाई कर देना बेताल के साथ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गाइस टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। चलो।